तो हेलो गेमर, इट इज मी सेल्जो। और आज हम फिर से खेलने वाले राफ्ट। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि भाई हम पहुंच गए थे एक छोटे से आइलैंड की तरफ। फिलहाल भाई अभी हम उस आइलैंड को छोड़ के आ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं एक नए आइलैंड की तरफ। लेकिन भाई यहाँ पर उस बीच मैंने काफ़ी ज़्यादा काम करा अपने बोर्ड पर। मतलब भाई यहाँ पर हमने ना अब चीज़ों को थोड़ा सेटल करके रखने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। फिलहाल भाई यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें बना चुके हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं अपने स्टोरेज की। तो भाई यहाँ पर देखो, मैंने दो स्टोरेज रखे हुए जिसमें मैंने बीच वगैरह रखे हुए और कुछ पंख वगैरह रखे हुए, ठीक है। और साथ साथ भाई यहाँ पर हम एक नया एंकर बना चुके हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप जहाँ मर्जी भाई अपनी बोट को रोक सकते हो, आपको बस इसको खुलाना है। और भाई देखो, यहाँ से एंकर नीचे पानी की तरफ जाएगा और ये बहुत गहरा जाता है, तो भाई इससे हमारी बोट रुक जाती है, ठीक है। तो फिलहाल भाई अभी हम यहाँ पर रुके हुए, तो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि यहाँ पर हम क्यों रुके हुए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई यहाँ पर हम रुके हुए उसकी वजह। तो फिलहाल भाई यहाँ पर हमने स्मेल्टर एक और एक स्मेल्टर बना लिया है ताकि भाई यहाँ पर हम फटाफट से आयरन कॉपर को मेल्ट कर सके और उनसे हम यहाँ पर काफ़ी बढ़िया चीज़ें बना सके, ठीक है। फिलहाल भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने अब अपने स्टोरेज को थोड़ा मैनेज करके रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई यहाँ पर नया चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी रहती थी, तो यार उनको भाई सामानों को ढूंढने में जो टाइम लगता था ना, वो बहुत ज़्यादा लगता था। और साथ के साथ भाई यहाँ पर अगर मैं आपको अपने एरो दिखाऊँ तो भाई अब वो मेटल एरो हो चुके हैं। मतलब शुरू में भाई मैं पत्थर यूज़ करता था अपने एरो में, लेकिन अब हम यूज़ कर सकते हैं मेटल, ठीक है। और साथ के साथ भाई यहाँ पर मेरे पास ना एक और एक चीज़ थी, मेरा जो भाला है ना वो भी अब नया हो गया है। एक मिनट यार, जो लकड़ी का है, नहीं यार असली, एक मिनट, मेरे पास एक दूसरा भाला था। ओ हाँ, ये रहा। अरे यार मैं भी कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो ये रहा भाई, अब मेरे पास है मेटल का भाला और लोहा लगा है इसके आगे। तो भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, देख रहे हो आप कितना ज़्यादा ये शार्प है आगे से, तो ये मारने में काम आएगा शार्क को, ठीक है। तो अभी फिलहाल भाई यहाँ पर सुबह हो चुकी है, तो सुबह की शुरुआत होनी चाहिए हमारे पानी पीने से। एक मिनट भाई, पानी ले लूँ, ठीक है। गर्म करने के लिए पहले हम पानी रख देते हैं। और यहाँ पर कुछ मेरे चिकन लेग पीस है, तो वो भी हम थोड़े से खा लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, क्योंकि आज हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना है। सबसे पहले तो भाई हमको जाना है एक नए आइलैंड की तरफ और देखते हैं नए आइलैंड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। एक मिनट भाई, यहाँ पर हम थोड़े से पौधे उगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे पास बीट रूट है, इसको उगा देते हैं और बाकी का हम खा लेते हैं, ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पर अब हम ना धीरे धीरे सामान को सेट करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते भाई यहाँ पर हम इसे कब तक कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादातर ना मैं सामान फटाफट निकालता हूँ, उनको वापस रखना भूल जाता हूँ। तो भाई यहाँ पर मेरे सामान थोड़े मैनेज करके नहीं रहते। एक मिनट भाई, मेरे पास एक गिफ्ट भी है, क्या बात है भाई। इसको खोल के देखते हैं क्या मिलता है। ओ यहाँ पर अब हम टेबल बना सकते हैं, क्या बात है भाई। फिलहाल भाई अभी हम यहाँ पर एक नए आइलैंड की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि भाई पुराना आइलैंड जो हमें मिला था ना यार, वो काफ़ी छोटा आइलैंड था। तो अभी हम यहाँ पर जाने वाले हैं एक नए आइलैंड की तरफ। लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पर ना हम अपनी बोट को थोड़ी मरम्मत वगैरह कर लेते हैं। एक मिनट भाई, यहाँ पर प्लास्टिक मुझे चाहिए होगा। एक मिनट, यहाँ प्लास्टिक मिल गया, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हम अपनी बोट को थोड़ा ना रिपेयर करने वाले हैं, क्योंकि भाई शार्क ने इसको ख़राब कर दिया है। तो कम से कम भाई इसको हम रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम जाने वाले एक नए आइलैंड की तरफ। लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर हम क्यों रुके हुए। तो यहाँ पर ना भाई कल मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी समुद्र के अंदर, तो वो दिखाने के लिए भाई यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। तो एक मिनट भाई, यहाँ पर सबसे पहले तो भाई हम खाना पीना पी लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम जाने वाले समुद्र के अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पर ही मुझे वो चीज़ मिली थी। तो ओ भाई यहाँ पर आप देख रहे हो एंकर कितना नीचे, ओ शार्क। अरे यार एक मिनट भाई, शार्क को मार के देखता हूँ, क्या पता इसको मैं मार पाऊँ। आजा आजा आजा, ये ले। ओ मर गई, क्या बात है भाई, एक ही भाले से, क्या बात है भाई, कितना खतरनाक भाला है भाई। हालांकि इसको मैंने पहले भी काफ़ी डैमेज दे रखा था, लेकिन मर चुकी है भाई, क्या बात है, ये हुई ना बढ़िया बात। तो भाई ये भाला तो बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा है मुझे, लेकिन भाई यहाँ पर जो एंकर है ना एकदम ही नीचे आ रखा है। तो एक मिनट, आपने आवाज़ सुनी क्या, आपने एक आवाज़ सुनी, ध्यान से सुनो भाई एक आवाज़ सुन। ओ भाई ये पता किसकी आवाज़ है, ओ सामने की तरफ देखो भाई, ओ वेल भाई वेल, देख रहे हो भाई, आपको दिख रहा है कि दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, उसकी पूंछ दिख रही है मुझे। ओ भाई, अरे हमें तो बहुत दूर आ गया। एक मिनट यार, मैं तो वेल के चक्कर में इतना दूर आ गया भाई, मैंने वेल देखी इतनी खतरनाक
पता व्हेल का साइज क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ी होती है। जो मेरी अभी बोट दिख रही है आपको, इससे वो कम से कम ना 10 गुना ज्यादा बड़ी होती है। तो बहुत बड़ी वो होती है। ओ भाई मजा आ गया देख के, लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं वो मेरे पास ना आ जाए। हालांकि बहुत दूर थी वो, लेकिन आपने आवाज़ सुनी उसकी कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो फिलहाल भाई यहाँ पर मैंने ये चीज़ भी नहीं देखी थी, मैंने देखी थी यहाँ पर डॉल्फिन। तो समुद्र के अंदर ना मैंने डॉल्फिन देखी थी जो भाई काफ़ी ज़्यादा उछल रही थी, मतलब काफ़ी करतब वगैरह दिखा रही थी। तो ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रुका था, लेकिन अब मुझे पता नहीं डॉल्फिन दिख क्यों नहीं रही है, तो वही मैंने आपको दिखानी थी। फिलहाल भाई यहाँ पर मौसम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। तो एक मिनट भाई, यहाँ पर जो जो मैंने यहाँ पर फंसे ना मेरे नेट में, वो सब के सब हम चख लेते हैं। ठीक है भाई, फिलहाल तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। एक मिनट यार, मैं इस पर पहले आग लगा दूँ, तो इतना ये मेरी शाक के मीट भी बनते रहेंगे। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर कुछ नई चीज़ें बनाने वाले, देखते हैं यहाँ पर हमारी कौन कौन सी रेसिपी हम बना सकते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पर हम कुछ नया बना सकते हैं। ओ यहाँ पर हम एक साइन बोर्ड बना सकते हैं अपना, क्या बात है भाई। यहाँ पर ना अगर ये बना लेंगे ना, तो भाई यहाँ पर हमको ना चीज़ों को ढूंढने में आसानी रहेगी। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर हम स्टोरेज भी बना के देख ही लेते हैं कि जो स्टोरेज हम बनाएंगे उस पर हम कितना सामान डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आयरन वगैरह ले लिया है, उससे मैंने हींग बना ली है, और मुझे यहाँ पर बस एक स्क्रैप चाहिए। एक मिनट है मेरे पास, ठीक है 3 चाहिए, तो 3 स्क्रैप ले लिए। तो अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं स्टोरेज, और फाइनली भाई यहाँ पर हमने स्टोरेज बना लिया है काफ़ी टाइम बाद। तो स्टोरेज को हम रख के देखते हैं कि इस पर कितना, ओ दिखने में कितना प्यारा लग रहा है ना ये, देखते भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो रख दिया हमने स्टोरेज को, ओ भाई स्टोरेज देखो कितना ज़्यादा है, ये हुई ना बात, इसमें हम देखो कितना ज़्यादा सामान रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं रखेंगे, लेकिन भाई कितना ज़्यादा बढ़िया, दिखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है, और साथ साथ में इसका स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कम से कम ये चीज़ तो बढ़िया बनी भाई। और यहाँ पर हम एक नई चीज़ और बनाएंगे। एक मिनट भाई, क्या क्या है बनाने को, तो इसमें से कुछ भी नहीं है बढ़िया यार, सब बेकार लग रहा है। कुल्हाड़ी बना ले क्या, मेटल की कुल्हाड़ी, नहीं नहीं ये भी नहीं। हम बनाएंगे यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ साइन बोर्ड बनाते हैं, ताकि यहाँ पर हमको चीज़ों को ढूंढने में आसानी रहे ना, कि कौन से डब्बे में क्या चीज़ रखी हुई है। तो साइन बनाने के लिए हमें कील चाहिए 2, प्लैंक तो है ही हमारे पास। एक मिनट, कील थी हमारे पास यहाँ पर, नहीं यहाँ पर नहीं है, तो इसके अंदर होगी शायद, नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें है। ठीक है, यहाँ पर हमको कितनी कील चाहिए, यहाँ पर हमको बस 2 ही कील चाहिए, और 2 कील हमने ले लिए। तो साइन बोर्ड हमने यहाँ पर बना लिए, और 2 साइन बोर्ड बने, क्या बात है, एक बार में 2 साइन बोर्ड बन गए। तो इसको हम रखेंगे इधर, ठीक है सेट करके रखते हैं। एक मिनट यार, तो एक मिनट घुमा लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है भाई आगे रखे पीछे रखे, यहाँ रखते हैं, नहीं नहीं यार ये सेट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है यहाँ पर सेट हो गया है। ठीक है यहाँ पर हमने इसको रख दिया। तो अब हम इसमें कुछ लिख भी सकते हैं, ताकि हमको पता लगे कि कौन से डब्बे में क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है सीड, रखा हुआ है, ठीक है सीड रख के देखते नाम, SEED ना, ठीक है SEED सीड। तो यहाँ पर हमको भी पता लग जाएगा कि इसके अंदर हमने दाने रखे हुए, जिनसे हम भाई यहाँ पर पेड़ वगैरह उगा सकते हैं। सीड्स एंड फ्रूट रखे थे मैंने, लेकिन इतना यहाँ पर लिख नहीं सकते हम, खाली सीड ही रखते थे। ठीक है भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया, मस्त लग रहा है भाई। और कहाँ पर रखे दूसरा बोर्ड, दूसरा बोर्ड मैं सोच रहा हूँ इसको रखते हैं इधर के साइड। ठीक है अभी मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, खाली देखने के लिए कैसे इस पर किस तरह लगता है। ठीक है तो यहाँ पर हम रख लेते हैं फूड्स, ठीक है फूड, ठीक है डन। ठीक है भाई अब जाके मुझे थोड़ा बढ़िया लग रहा है। हालांकि भाई यहाँ पर मुझे पता है कौन से डब्बे में मैंने क्या रखा हुआ है, क्योंकि मैं दिन रात सामान निकालता रहता हूँ, और खाने का तो सबको ही पता है खाना मैं कौन से स्टोरेज में रखता हूँ। लेकिन सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, जो हमने ये यहाँ पर ये स्टोरेज बनाया है नया स्टोरेज, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, इसमें काफ़ी स्पेस है। तो फिलहाल भाई अभी मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ना, ओ भाई शाक आके दोबारा से इसको मार के देखते हैं। ओ नहीं 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 भाई अब तो इसने डैमेज दे दिया मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई यहाँ से निकला जाए, ठीक है तूफ़ान आने वाला है, तो हम चलते हैं एक नए आइलैंड की तरफ तूफ़ान आने से पहले पहले। एक मिनट भाई यहाँ पर मेरा दोनों मीट बन के रेडी हो चुके हैं, तो इनकी जगह मैं ये दोनों को होल लगा देता हूँ। ठीक है भाई तो इनको खा भी लेता हूँ, यार बहुत भूख लग रही है, वैसे ही मैंने सुबह खाया नहीं था मेरे ख्याल से कुछ, खाली 2 ही चिकन लेग पीस खाया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया था। तो भाई यहाँ पर खाना पीना तो हमने काफ़ी ज़्यादा खा लिया है,
फिलहाल भाई यहाँ पर हम जाने वाले एक नए आइलैंड की तरफ, क्योंकि यार काफ़ी टाइम से हम नए आइलैंड की तरफ नहीं गए, मैं खाली समुद्र में ही घूम रहा हूँ। एक पिछला आइलैंड मेरे को गया था, उसमें भाई काफ़ी छोटा आइलैंड था, कुछ खास मिला नहीं, लेकिन वहाँ से ना मेरे को पता क्या चीज़ ज़्यादा मिल गई, सोर्सेज ज़्यादा मिल गए, मेटल वगैरह ज़्यादा मिल गया, कॉपर ज़्यादा मिल गया, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया। फिलहाल भाई यहाँ पर जो मेरा स्टोरेज है ना वो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। तो गाइस भाई यहाँ पर हम पहुँचने वाले एक नए आइलैंड की तरफ, लेकिन उससे पहले भाई हमारे पास यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा हो चुका है, तो वो सब के सब हम यहाँ से चख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने नेट वगैरह बना कर ना एकदम बढ़िया काम करा है भाई, अब मुझे बार बार यहाँ पर एंकर फेंकने की लोड नहीं है, ऑटोमेटिकली भाई ये सब कुछ कैच करता रहता है और काफ़ी ज़्यादा कैच करता है। ठीक है, तो सामान तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल चुका है, लेकिन अभी तक भाई मेरे को यहाँ पर एक आइलैंड मुझे दिख गया है, लेकिन वो पीछे के साइड है ना, तो एक काम करते हैं हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है चलते पीछे की साइड, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। उससे पहले पहले ना भाई हमको एक आइलैंड की तरफ जाना चाहिए, और हवा भी उसी तरफ है, क्या बात है भाई, हवा भी उसी तरफ चल रही है। तो एक मिनट में ऊपर जाके दिखा देता हूँ आपको। तो भाई यहाँ से दूर दूर से मुझे कोई और आइलैंड दिख नहीं रहा उसके अलावा, लेकिन ये आइलैंड भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो यार ये बहुत ज़्यादा बेकार बात है यार, छोटे आइलैंड में ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, कुछ ना मिलने से कम कुछ मिलना ही है। ठीक है, वैसे भी तूफान आने वाला है, तो उससे पहले पहले हमें किसी आइलैंड की तरफ चल जाना चाहिए, और देखते भाई क्या पता यहाँ पर कुछ बढ़िया चीज़ें मिल जाए। जैसे पिछली बार भाई हमको जिस आइलैंड में हम गए थे ना, वो दिखने में बहुत ज़्यादा छोटा था, और भाई उसके अंदर कुछ ज़्यादा खास सामान नहीं था, और ना ही वहाँ से हमें कुछ खास मिला। हमको जितना भी सामान मिला है ना, वो मिला है उसके किनारे पे, उसके किनारे पे ना काफ़ी कुछ हमें मिल गया था। जैसे भाई यहाँ पर हमको आयरन, कॉपर तो इतने ज़्यादा मिले थे, और स्टोन इतने ज़्यादा मिले, तो भाई मज़ा आ गया था। तो देखते भाई यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर भी हमें कुछ नई चीज़ देखने को मिले, कुछ नया सोर्सेज देखने को मिले, तो मज़ा आ जाएगा, उससे हम नई नई रेसिपी खोल पाएंगे। एक मिनट भाई, यहाँ तो भाई मुझे लगता है काफ़ी कुछ मिलेगा, देख रहा हूँ भाई इसके नीचे कितना कुछ सामान है। तो हालांकि आइलैंड तो बहुत छोटा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, इसके किनारे पे हमें काफ़ी कुछ मिल सकता है, कुछ नई नई चीज़ें मिल सकती है, जिससे हम नई नई रेसिपी खोल सकते हैं, तो मज़ा आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, अपने एंकर को हम यहीं पर ढीला करते हैं, और भाई यहीं पर हम रुकने वाले आज के टाइम। तो देखते भाई इस यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, मैं करता हूँ भाई यहाँ पर कोई बढ़िया चीज़ मिल जाए ना, मज़ा आ जाएगा, कोई नई रेसिपी मिल गई ना, मज़ा आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर हम उतर चुके हैं नए आइलैंड की तरफ। तो एक मिनट भाई यहाँ पर एक मिनट, शाख भी है भाई यहाँ पर, तो एक मिनट शाख को मारे क्या, ओ शाख मेरे पास ही आ रही है भाई, ओ नहीं 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 मेरे पास आ रही है, कोई नहीं कोई नहीं, आजा आजा ए ले, अरे नहीं यार इसने हमको डैमेज दे दिया। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो भाई यहाँ पर ना हम अपने लिए एक चीज़ बनाते हैं, किधर की वो चीज़ है, तो ये बनाते हैं शाख बाइट, इससे हमको शाख को मारने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, और यह शाख मारेंगे ना उसके बाद ही हम यहाँ पानी के गहराई में जा सकते हैं। उससे पहले तो भाई यहाँ पर हम जाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भाई शाख है ना वो हमको ढंग से सामान यहाँ लूटने देगी नहीं, तो सबसे पहले हमें शाख को मारना पड़ेगा, और शाख को मारने के लिए हमको यहाँ पर शाख बेट बनाना पड़ेगा। उसके लिए भाई यहाँ पर हम दो तीन मछलियाँ पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे शाख बेट, और उसके बाद हम यहाँ पर शिकार करेंगे अपनी शार्क का, और उसके बाद जाएंगे हम समुद्र के अंदर, देखते भाई क्या नई नई चीज़ें मिलती है, मज़ा आ जाएगा, क्या पता उससे भाई हम कुछ बढ़िया चीज़ बना सके, कुछ ख़तरनाक चीज़ें। तो फटाफट से भाई यहाँ पर हम शार्क बेट बनाते हैं और शार्क का शिकार करते हैं। तो गाइस भाई यहाँ पर मैंने शार्क बेट तो बना ही लिया है, और साथ साथ भाई इस पर काफ़ी बारी हमला भी कर दिया है, लेकिन यार ये मरने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे ख्याल से भाई मैंने इसको 10 से 15 बारी तो भाई अपने भाले से मारा, लेकिन ये मरने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। तो एक ओ डैमेज मिला उसको, बहुत तगड़ा डैमेज मिला। एक मिनट भाई, मुझे लगता है ये मरने वाली है, और मैं इसको मार के रहूँगा, मर, इस बारी बड़ा ख़तरनाक मारा है उसको भाई। अब मुझे पता लग गया इसको कैसे मारना है, मैंने अपने भाले को ना काफ़ी टाइम तक खोल के रखना तभी ये मरती है। एक मिनट भाई, इसको खाने के लिए तो आएगी आएगी, तब तो मारूंगा ही मारूंगा, आजा आजा जल्दी आजा, आ गई भाई आ गई, देखो भाई, ओ फाइनली ये वाली भी मर गई, देखा मैंने कितना डैमेज दे रखा है उसको भाई, पूरे के पूरे जगह निशान पड़े हुए, और फाइनली भाई यहाँ पर हमारी शाख मर चुकी है। तो इसको मीट को हम थोड़ा पकाने के लिए रख देते हैं, और जो पानी है उसको भी पी लेते हैं, क्योंकि अभी हम जाने वाले समुद्र के अंदर, तो थोड़ा पेट पूजा और अपनी प्यास बुझा के जाए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर टाइम नहीं मिलने वाला है। तो एक मिनट भाई, यहाँ पर हम अपनी इन्वेंट्री को थोड़ा
खत्म करते हैं तो ठीक है भाई। अब हम जाने वाले समुद्र के अंदर, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, ओ भाई सबसे पहले तो भाई हमको मिल गया कॉपर, क्या बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे कुछ नई चीज़ चाहिए, मैं चाहता हूँ कुछ नई चीज़ मुझे मिले। तो ये क्या है, इसे हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये क्या है, एक मिनट इसे तोड़ के देखते हैं। ये तो सैंड है यार, एक मिनट, कुछ बढ़िया चीज़ मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा। एक काम करते हैं भाई, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार समुद्र के गहराई में जाया जाए। एक मिनट, ये क्या है, जाइंट, अच्छा ये तो पड़ा है मेरे पास। भाई मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई समुद्र के अंदर ही जाया जाए, देखिए कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यार यही करते हैं, लेकिन मेरे पास ना यहाँ पर टॉर्च नहीं है। अगर मैं यहाँ पर टॉर्च बना सकूँ ना तो मैं इसकी गहराई में भी जा सकता हूँ। ये क्या है भाई, ये तो अच्छा मेटल है। तो ठीक है भाई, देखो तीन तीन है, तो ऐसी गहराई में जाओगे ना आपको बहुत सामान मिलते हैं। लेकिन यार चक्कर की बात यही है, मेरे पास टॉर्च नहीं है और मेरी इन्वेंट्री भी फुल हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, पहले अपनी इन्वेंट्री को खाली करते हैं, तभी भाई यहाँ पर हम सामान वगैरह ले पाएंगे। तो इसमें डालते हैं, देखो भाई इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी देखो भाई कितनी ज़्यादा है, मज़ा आता है स्टोरेज को देख के। लगता है भाई यहाँ पर हम सामान को रख सकते हैं, जो मेरे छोटे छोटे स्टोरेज हैं बहुत बेकार है यार, उसमें एक दो सामान रखता हूँ ना भर जाता है। लेकिन इसमें देखो भाई आप कितने ज़्यादा सामान डाल सकते हो। तो फिलहाल तो भाई हमारी इन्वेंट्री खाली हो चुकी है, तो अब हम दोबारा चलते हैं समुद्र के अंदर। लेकिन भाई यहाँ पर यार हम ना ज़्यादा कुछ नई चीज़ें नहीं मिल रही हमको यार, मेरे को चाहिए कुछ नई चीज़ें। उसके लिए भाई मेरे को गहराई में जाना पड़ेगा, और साथ साथ भाई यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा एक टॉर्च। अगर मैं यहाँ पर टॉर्च बना सकूँ ना, और साथ साथ भाई यहाँ पर मैं अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ बना सकूँ जिससे मैं अपनी सांस को रोक सकूँ ना ज़्यादा देर तक, तब भाई हम काफ़ी गहराई में जा सकते हैं और हमें काफ़ी नई नई चीज़ें मिल सकती है। फिलहाल तो भाई मुझे हर तरफ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे रिस्की भी लग रहा है भाई, कि अगर किसी जानवर ने मेरे पे अटैक करा ना तो भाई मेरे को तो पता भी नहीं लग पाएगा, ऊपर से मेरी सांस भी फूल गई भाई। तो मुझे फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो भाई मेरा दम ही घुट जाएगा। एक मिनट जल्दी निकल भाई, मेरे तो सांस ही घुट गई थी। तो चलो कोई बात नहीं भाई, ये सब हम बाद में करेंगे यार, अभी तो भाई यहाँ पर रात भी हो चुकी है और मेरे पास टॉर्च भी नहीं है यार। मैं अगर टॉर्च बना पाऊँ ना तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा हमारा, सही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर टॉर्च बना लूँ तब उससे बहुत फ़ायदा होगा, हम काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं समुद्र के। और अगर मैं यहाँ पर अपने लिए कोई ऑक्सीजन कुछ बना लूँ ना, जिससे मैं अपनी सांस को ज़्यादा देर तक रोक सकूँ, तब भी हमको यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। तो फिलहाल तो भाई यहाँ पर रात हो चुकी है, और रात में भाई यार हम बिल्कुल भी पानी के अंदर नहीं जाने वाले। ठीक है, तो फिलहाल भाई अभी हम यहाँ पर क्या करें, टाइम पास के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई। एक मिनट यार, यहाँ पर मैंने पकाने को रखा था लेकिन ये पका नहीं यार। एक मिनट, मैं यहाँ पर प्लैंक निकाल लूँ और इसको पकाने के लिए रख देता हूँ। तो भाई यहाँ पर ना मेरे को लगता है यहाँ पर मुझे बनाना चाहिए अपने लिए एक, ओ तुम मेरी, एक मिनट भाई, अब तो मैंने मेटल का बनाया, मेटल का एरो भाई बहुत खतरनाक है ये एरो। ओ यहाँ पर शार्क भी आ गई है, एक मिनट भाई मर। अच्छा ये शार्क बेट मेरी बोट के अंदर आ गया, तभी शार्क यहाँ पर आई जा रही है। तो भाई यहाँ पर ना ये जो एरो है ना बहुत ख़तरनाक है, मेटल का एरो है ख़तरनाक। तो भाई एक ही काफ़ी है किसी को भी मारने के लिए, हाँ शार्क को मारने के लिए तो काफ़ी नहीं है। फिलहाल भाई यहाँ पर हमारा खाना पीना तैयार हो चुका है, तो एक मिनट भाई। तो अरे यार ये दोबारा आ गई किधर, ये भाले से मारता हूँ, भाग यहाँ से यार, ये शार्क बहुत तंग कर रही है। फिलहाल भाई यहाँ पर अगर मेरे को सबसे पहले बनाना होगा तो मैं बनाऊँगा अपने लिए टॉर्च, और उसके बाद भाई यहाँ पर मैं बनाना चाहूँगा अपने लिए एक ऑक्सीजन मास्क, ताकि हम पानी के ज़्यादा देर अंदर रह सके और नई नई रेसिपी ढूंढ सके। एक मिनट भाई यहाँ पर दोबारा से ये आ गया, एक भी मैं धनुष निकालता हूँ, दूसरा साथी भी आ गया इसका, तो तू भी मर और शार्क तू भी मर। भाई शार्क तो यार इतना मारा मैंने उसको, मर ही नहीं। एक मिनट भाई यहाँ से मैं अपना एरो ले लूँ, मेटल एरो, ठीक है। तीन एरो बर्बाद कर दिए मैंने इनको मारने में, और दोनों के, एक मिनट यार शार्क आ ही जा रही है इतनी देर से, और मेरे एरो भी इसमें लगे जा रहे हैं भाई, ये मेरे एरो को लेके भाग रही है। तो भाई यहाँ पर मैंने इसके दोनों के दोनों साथी को मार दिया है, जैसे कि आप देखो भाई यहाँ पर दोनों के दोनों को मैंने निपटा दिया। ठीक है, तो एक की यहाँ पर मैं 2 लेग पीस मिल गए, आज तो 4 लेग पीस मिलेंगे और खा के मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट भाई, अरे यार ये दोबारा आ गई, एक मिनट यार यहाँ पर पहले मैं एरो निकाल लूँ अपने, जो मैंने इसको मारे उसके बाद उसको मार के भगाता हूँ। भाग यहाँ से भाई, ये हटी नहीं रही, खाने के लिए आई जा रही है, मेरे को लगता है ये मरने वाली है। फिलहाल भाई यहाँ पर हमने आज काफ़ी कुछ कर लिया, नए आइलैंड में पहुँच चुके,
और काफ़ी नई नई चीज़ें हमने बना ली है। सबसे मज़ेदार जो चीज़ हमने बनाई है वो है अपना स्टोरेज और साथ साथ एक बढ़िया सा एंकर जिसे हम जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल भाई यहाँ पर मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बारी देख रहे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।